नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज के गेम प्ले में हम लोग करने वाले हैं ब्रस्ट गन चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, सोलो वर्सेस स्क्वाड में हम लोग केवल ब्रस्ट गन यूज करेंगे और बहुत ही ज़्यादा कमाल का वीडियो होने वाला है। पहले तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि भाई मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ चैलेंज, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टफ हो गया था मेरे लिए। लेकिन मैंने फिर सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फाइनली मुझे ब्रस्ट गन मिल जाती है और भाई ये सोलो वर्सेस स्क्वाड था तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा मतलब टफ हो जाता है, क्योंकि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में चार बंदे आते हैं सामने से, तो आपको पता ही है। और फिर ब्रस्ट गन से चार बंदे मारना यार बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मतलब सेफ होके खेलते हैं, जिससे कि मतलब चैलेंज भी पूरा हो जाए और बंदे भी मैं मार पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थर्ड हिल पर आता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऊपर छत पर ब्रस्ट गन लेके बैठ जाता हूँ। मुझे दो दो ब्रस्ट गन मिल जाती हैं, मैंने कहा आप किसी न किसी बंदे को तो मैं पहले यहाँ से श्री गणेश करूँगा। तो यहाँ पर मैं तीन बार गेम खेलता हूँ, तीसरी बार मुझे चिकन डिनर होता है। तो पहली बार ये वाला बंदा रहा, इसको मैंने पूरा स्प्रे लिया और पूरा स्प्रे लेके खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहां पे मैं आयरन साइड इसलिए यूज कर रहा था ताकि गन हिले नहीं, अगर आयरन साइड नहीं यूज करता तो गन बहुत ज्यादा हिलती दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे मैंने रेड डॉट, होलो और आयरन साइड मैंने केवल यही यूज किया है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा अगर स्कोप यूज करता था, आगे स्कोप भी यूज करूंगा, स्कोप यूज करने में बहुत ज्यादा गन हिल रही थी, एम सही से नहीं लग रहा था। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये तीन बंदे मैंने मार दिए, दो रियल प्लेयर थे एक बॉट था। ठीक है, बाकी के दो बंदे उसके अंदर और थे, मैंने कहा मगर वो दोनों बंदे एक साथ थे, मैंने कहा इनको मारेंगे तो हम भी मर सकते हैं। तो यहां से मैं निकल गया, आगे आया यहां ड्रॉप के पास, या ड्रॉप के पास एक बंदा लूट रहा था, मैंने इसको पूरा फिनिश किया, तो बंदा नॉक हो गया लेकिन फिनिश नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे जाने के बाद काफी डैमेज दिया, तब जाके ये बंदा पूरा फिनिश हुआ दोस्तों। ठीक है, मतलब ये गेम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी मेरे पास ऑटो गन नहीं थी और बिना ऑटो गन के यार मज़ा नहीं आ रहा था गेम खेलने में, क्योंकि ब्रस्ट गन में बहुत गोलियाँ मारनी पड़ती हैं तब बंदा मरता है जाके। और यहाँ पे एम अलग से नहीं लग रहा था, देखो इतना मार रहा था लेकिन बहुत मुश्किल से पड़ रही थी गोली, मतलब तीन चार बार जब टैप करो तब जाके कहीं एक बार गोली सही से पड़ती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वहाँ से तो हम लोग मार के आ गए। अब यहाँ पे देखना ये वाला शॉट यार 100% आप लोगों को पसंद आएगा, मतलब 101%। ठीक है, जरूर लास्ट में आपको जरूर बताना है कि कौन सा वाला सबसे बेस्ट आपको लगा। तो यहाँ पे भाई दो बंदे थे देख सकते हो, ठीक है ये देख सकते हो, यहाँ दो नहीं सॉरी तीन बंदे होंगे। ठीक है, तो एक बंदा नॉक हो गया, दो बंदे इसके अंदर हैं। ठीक है, अब देखना इस नेड से तीनों बंदे एक साथ मरेंगे, चार से सीधा सात पहुँचेगा, फूट गया, ये देखो डायरेक्ट तीन बंदे, भाई मज़ा ही आ गया, मतलब नेड क्या परफेक्ट जगह पे पड़ा था, तीनों की एक साथ पेटी बन गई भाई, मतलब गजब का था। ठीक है, अब ये वाला दूसरा गेम प्ले था दोस्तों, यहाँ पे भाई मैंने 6x लगाया था लेकिन एम नहीं लग रहा था, देखो कितना बुरी तरीके का हिल रहा था, मतलब मैं पूरी जबकि 3x बना रखा था फिर भी एम सही से पकड़ नहीं रहा था। तो यहाँ पे भैया फाइट हो रही थी दो तीन बंदों के बीच में, मैं अकेले था, उधर से दो दो टीमें थी, तो मैंने सोचा ऐसे में करते गए पहले जो बंदे नॉक पड़े इनके किल चोरी करते हैं, फिर तब तक बंदे थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भैया एक बंदे को मैंने पूरा फिनिश कर दिया था, एक बंदा मेरे पीछे लगा हुआ था वो देखो भागते हुए आ रहा था, तो मैंने कहा इसको ऐसे मारना है कि मौका ना पाए, नहीं तो मार देगा मेरे को। तो मैं बिल्कुल इधर उधर जिगल करते हुए बंदे को पूरी तरह से खा गया, लेकिन यार इसका जो दूसरा टीममेट था वो कहीं ऊपर चढ़ा था, उसने काफ़ी तगड़ा मेरे को स्प्रे दिया, मेरी डैमेज बहुत ज़्यादा कर दिया मुझे मतलब है। तो ऐसे में मैंने क्या किया, पेड़ का कवर लिया, यहाँ पर बैठा और बैठने के बाद हेल्थ लगाई। ठीक है, अब मैंने कहा अब ये अगर इधर आया तो मैं इसको एक ही बार में साफ़ कर दूंगा, लेकिन यार पीछे से एक बोट पता नहीं कहाँ से मिल गया और उसने थोड़े बहुत और मेरी हेल्थ की लंका लगा दी, तो मैंने तुरंत गन उठाई और दो स्प्रे मारे ख़त्म, क्योंकि इसके पास हेल्थ ही नहीं थी, तो मुझे लग रहा है पहले कहीं से फाइट लेके आया था तो इसके पास हेल्थ नहीं थी, एक ही दो गोलियों में मर गया ये। ठीक है, मरने के बाद इसके पास स्कारल थी लेकिन मेरा ब्रस्ट गन चैलेंज था इसलिए मैंने यहाँ से स्कारल नहीं उठाई। ठीक है, अब मैं इस गन को लेके, अब यहाँ पे सामने भाई पूरी स्क्वाड है, अभी तो मैंने केवल दो ही तीन बंदे मारे हैं। ठीक है, अभी देखना एक बंदा ये रहा, ये दूसरी टीम के बंदे ने इसको नॉक किया तो नॉक करके बंदा इस तरफ आ गया बचने के हिसाब से, लेकिन इसको पता नहीं इधर हम बैठे हैं तो इधर मैंने इसको ख़त्म कर दिया, मतलब उसका ये वाला किल भी मेरे पास आ गया, मतलब वो बंदा बहुत परेशान हो गया था, सब बंदों को नॉक कर करके छोड़ रहा था, मैं उसके किल चोरी कर रहा था, मतलब भाई किल चोरी करने का मज़ा ही अलग है, जब अपोजिट टीम के किल चोरी करो ना तो भाई मज़ा कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भाई यह बंदा तो मर गया था, लेकिन देखना अभी आपको एक ऐसा बंदा दिखेगा जो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, भाई इतनी दूर से घूम के आता है, उसको शायद पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या फिर मैं उसके किल चोरी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एम गन का मेरे तो मार का ही रहा होगा, उसके पास देखना भी कितनी दूर से घूम के जाएगा, इतनी दूर से बंदा घूम के आता है मेरे को मारने के लिए, उसको लगता है मैंने उसको देखा ही नहीं, मगर मेरी नज़र पूरी उसी के ऊपर होती है। देखना वो देखो बाउंड्री क्रॉस किया उस बंदे ने, अब देखना कहाँ से घूमते हुए जाएगा,
ये देखो मतलब पीछे से घूम के आएगा, मतलब पीछे से घूम के रश करने की प्लानिंग कर रहा है। अरे भाई जमाने की मैंने ये ट्रिक एंड टिप्स मैंने बताई हुई है वीडियो पे, ये मेरी ट्रिक मेरे पे अप्लाई कर रहा है बंदा। चलो कोई नहीं, आने दो इसको, देखना इसको कैसे लपेटेंगे, आने दो। क्योंकि मेरे पास ब्रस्ट गन थी, बहुत दूर से लगा नहीं, मार नहीं सकते थे, नहीं तो मार नहीं पाएंगे इसको। मैंने कहा थोड़ा क्लोज में आने दो इसको, थोड़ा क्लोज में आया, बिल्कुल मैंने खोपड़ी खोपड़ी बजा दी, बहुत तगड़ा जिगल मारा था इसने। लेकिन भाई क्या ही किस्मत थी कि दो स्प्रे इसके खोपड़ी में लग गए, जिससे बंदा बहुत जल्दी मर गया। तो भाई इसके पास कुछ खास एमो नहीं था, मगर जो भी था मैंने यहाँ से लूट लिया। और लूटने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, अब यहाँ पे आ चुके थे। ये दोस्तों लास्ट गेम था जिसमें हम लोग चिकन डिनर करने वाले थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे भाई पहले तो हमें ये बंदा मिल गया, नॉक बंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा किल इसका भी चोरी करेंगे, तो इसका किल चोरी किया। उसके बाद यहाँ पे देखा कि भाई दो बंदे तगड़े से लड़ रहे हैं, मैंने कहा इसे मौका देख के चौका मारते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे भैया मैंने फ़ायदा उठाया, ठीक है। ये भी वाला क्लच काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे दो बंदे मार दिए और ये बंदा रहा। ये भाई बंदा क्या ही जिगल कर रहा है, देखो एम ही नहीं लग रहा है इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं पड़ रहा है। मगर जितना ये घूम रहा था उतना मैं भी घूम रहा, तो इसका एमओ मेरे पे नहीं लग रहा था, मगर मेरा एमओ इसके ऊपर बाद में अच्छा खासा चिपक गया, तो बंदा ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई चार किल तो मेरे कंप्लीट हो गए, यानी कि तीन बंदों का एक स्क्वाड ख़त्म हो गया था, लेकिन एक बंदा कहीं ना कहीं और भी था, तो इस बंदे को भी ख़त्म किया। पांच किल मेरे पास कंप्लीटली आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा और था यार, वो नहीं पता था मेरे पास, फुटप्रिंट तो आ रहा था ऊपर से, लेकिन वो बंदा मेरे को नहीं दिख रहा था कहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने सोचा सबसे पहले जोन में जाते हैं, क्योंकि भाई जोन में जाना जरूरी है। तीन ही हेल्थ किट थी मेरे पास और जोन काफ़ी दूर था वहाँ तक, और लास्ट का जोन तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा काटता है। तो मैंने सोचा ऐसे में सीधा निकलते हैं आगे, और इस बार मैंने सोच लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए चिकन डिनर तो लेना। ये बंदा आगे भाग रहा था तो मैंने इसको दे दिया, शायद बोट था या कुछ भी था, पता नहीं क्या था, मगर ये मर बहुत जल्दी गया, शायद इसके पास हेल्थ नहीं थी, तो मैंने इसको पूरा फिनिश किया। अब फिनिश करने के बाद मैं आगे आया यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये पता था कि पीछे एक बंदा है मेरे, क्योंकि फुटप्रिंट आ रहा था, वो बंदा अभी तक मरा नहीं था, मरता तो जोन में नाम लिख के आता, नाम भी नहीं लिख के आ रहा था, इसका मतलब वो बंदा जीवित था अभी तक। अब मुझे देखना ये था कि बंदा वो है कहाँ पे, क्योंकि इतना तो पता था कि वो बंदा स्टेडियम की तरफ ही है, लेकिन स्टेडियम में कहाँ पे है बस मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था। और बंदे आगे भी हो सकते हैं, ये भी मेरे लिए ज़रूरी था, तो मैंने सोचा आगे पीछे दोनों जगह से बचने के लिए मुझे सबसे पहले पेड़ के कवर पर जाना होगा। अब भाई वो बंदे ने सही काम कर दिया कि उसने मेरे पर एक गोली चला दी, मुझे एग्जैक्ट कन्फर्म हो गया कि बंदा पीछे ही है, ठीक है। अब मैं इसको कैंप करके बैठ गया, मैंने कहा अब आओ बेटा, आओगे तो मारे तो जाओगे। अब मेरे पास हेल्थ किट नहीं बची थी, केवल पट्टी पट्टी थी, मैंने कहा पट्टी रगड़ते रहेंगे, जब जब तुम आओगे तब मारेंगे तुमको। तो यहाँ पे भाई मैं बैठा रहा, मैंने कहा तुम कब तक नहीं आओगे, मैंने सोच लिया था इसको मार के ही जाऊँगा, तो मैंने इसको फुल डैमेज दिया। लेकिन यार मतलब जब मेरा डैमेज बहुत तगड़ा जा चुका था, उसके बाद हेल्थ नहीं थी, मैं जैसे ही कवर में आया तुरंत वो ब्लू जोन से मर गया, मेरा किल भी चला गया मतलब ब्लू जोन के चक्कर में। मैंने कहा चलो जाने दो, तो वो बंदा तो निपट गया, लेकिन अब मैं जाने लगा जोन के अंदर, एक बंदा बचा था। मैं जोन के अंदर केवल पहुँच ही पाया था कि भैया फाइनली वो भी जोन से मर गया, शायद वो जोन के अंदर था, वो भी भाग रहा था, मैं भी भाग रहा था। तो फाइनली यहाँ पर भैया चिकन डिनर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो यार ये ब्रस्ट गन चैलेंज आप लोगों को कैसा लगा, काफ़ी टफ था मेरे लिए, काफ़ी गेम प्ले किए तब जाके कंप्लीट हुआ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपसे ब्रस्ट गन चैलेंज बोला जाए तो क्या आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रस्ट गन चैलेंज कर सकते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करूँगा ज़्यादातर लोग कर पाएंगे, मेरा उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा जो ब्रस्ट गन चैलेंज नहीं कर सकता तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग गोल्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।